तो फाइनली Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए जो है एक नया अपडेट और आया है जो कि है MIUI 12 का 20.4.30 बीटा वर्जन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप Redmi Note 5 Pro के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा फोन जो है बूट नहीं हुआ है या रोम इंस्टॉल नहीं हो रहा है या कोई ना कोई एरर आ रहा है। आप क्या करते हैं, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और मेन पार्ट देखते नहीं हैं, पर उसके बाद कमेंट्स करते हैं कि हमारे फोन में तो चल नहीं रहा, आपके फोन में कैसे चल रहा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चाइना बीटा रोम है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और उसके अंदर कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप इसको अपने फोन के अंदर फ्लैश नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi Note 5 Pro और आज इसके अंदर जो है हम MIUI 12 का जो लेटेस्ट बीटा वर्जन जो रिलीज हुआ है MIUI 12 का 20.4.30 वर्जन उसको हमने इंस्टॉल कर रखा है। ऑल स्पेक्स की बात करें तो आपको सिक्योरिटी पैच लेवल जो है इसके अंदर 5th मई 2020 का मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 9 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्टोरेज का जो है लुक पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया है, एक नए UI के साथ आपको देखने को मिला है, बैकअप एंड रिस्टोर के भी ऑप्शन में भी कुछ नए चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। वाईफाई कॉलिंग इस टाइम पे काम नहीं कर रही है बट वोल्टेज जो है परफेक्टली काम कर रहा है। कैमरे के अंदर आपको अभी भी जो नए UI के अंदर जो चेंजेस किए गए थे वो आपको देखने को नहीं मिले हैं और 4K रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिलती है और AI मोड भी आपको नहीं मिलता है। लास्ट के वीडियो में काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि इसके अंदर कैमरा टू API इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए कैमरा टू API इनेबल नहीं है और वो अब Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को नहीं मिलने वाला है। तो गूगल कैमरे को आप जो है अपने फोन के अंदर तब भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे आप कैमरा टू API को अपने Note 5 Pro के अंदर इनेबल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे नया आपको इसके अंदर कंट्रोल सेंटर मिलता है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है किस तरीके से ये काम करता है, टॉप फीचर्स के बारे में उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या फीचर्स हैं और उनको आपने कैसे यूज करना है। तो मैं फिर से ज्यादा फीचर्स आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि फीचर्स बताने में काफी टाइम निकल जाता है। मैं आपको थोड़े हाईलाइटेड चीजें इसके अंदर दिखाऊंगा, जैसे वेदर की जो एप्लीकेशन है वो भी आपको लेटेस्ट देखने को मिली है, कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, माना जा रहा था लैग वगैरह जो पहले काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था उसको अब थोड़ा फिक्स किया गया है। आपको इसके अंदर जो है रीसेंट टैब्स में अभी भी जो है फ्लोटिंग विंडो नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ आपको स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। थीम मैनेजर जो है आपका अपडेट हो चुका है, ये आपको दिखा देता हूँ। माई अकाउंट में जाके थीम का लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ टैब्स मिलते हैं जैसे थीम्स, वॉलपेपर्स, डायनामिक एंड रिंगटोन्स। डायनामिक में अभी आपको कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी आप इसकी कम्युनिटी में आके जाके चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या इसके अंदर न्यूज़ वगैरह है वो सब चेकआउट कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि मैं दिखा देता हूं आपको इसके अंदर क्या क्या और देखने को मिलता है, जैसे थीम कंपोनेंट्स में आपको कुछ इस तरीके के टैब मिलते हैं जहां से आप बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे थीम लैब में आप ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, वॉलपेपर स्लाइड शो या प्रोफाइल वीडियोज को भी इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन तो आपको थीम्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गैलरी भी आपको अभी जो है पुरानी ही मिलती है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारे फोन्स के अंदर जो है वीडियो एडिटर आ चुका है, बट अभी आपको Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को वो ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। सिक्योरिटी ऐप जो है जरूर अपडेट किया गया है, नया सिक्योरिटी ऐप मिला है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस आपको नया देखने को मिला है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिला है। आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको एक नए तरीका एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, उसी तरीके से जो आपके फ़ोन के अंदर जो आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यूजर स्टेटस, उसका भी लुक जो है कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सेटिंग्स पैनल का लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आपको ऊपर मी अकाउंट के अंदर जो है अब दो नए टैब देखने मिलते हैं, जहाँ Xiaomi क्लाउड, आप अपनी Xiaomi क्लाउड की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, क्या आपके डाटा है, कितना आपका बैकअप हो चुका है, वो सब चीज़ें आप चेकआउट करते हैं। Xiaomi हेल्थ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्टेप्स, स्लीप मोड, अपना वेट, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि कितना आपके स्लीप टाइम था, कितना बेटर है और कितना आपको स्लीप टाइम लेना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। सेटिंग में कुछ और चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, जैसे लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको पता ही है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में एक नया फॉर्मेट आपको देखने को मिला है, जो कि 4th नंबर पर यहाँ पे जो है नया आपको एक क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिला है। उसी तरीके से डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड जो है लेटेस्ट मिलता है, डार्क मोड 2.0 आपको देखने को मिलता है, जिसमें एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड का एक ऑप्शन मिला है। उसी तरीके से स्टेटस बार में जो बैटरी का UI है उसको चेंज कर दिया गया है, कुछ नए UI के साथ ऑप्शन मिले हैं। अगर आपको लगता है कंट्रोल सेंटर आपको पसंद नहीं है, आप MIUI 11 के पुराने वर्जन पर जाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे, उसके बाद जो है MIUI 11 का जो ओल्ड वर्जन है
वो आपके फ़ोन में यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कंट्रोल सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कुछ ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी होम स्क्रीन के अंदर वही आपको इसके अंदर लॉन्चर मिल जाता है जिसमें आपको ऐप ड्रॉ मिल जाता है, आइकन्स वगैरह आप इसके अंदर छोटे बड़े कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे भी इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। वॉलपेपर में आपको काफ़ी सारे नए वॉलपेपर्स आप देखने को मिल जाएंगे। देखिए सिस्टम वॉलपेपर्स में आ जाते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी कैटेगरी की लिस्ट मिलती है, जैसे नेचर, जियोमेट्री, डायनामिक, मिनिमलिस्टिक, ब्लैक एंड व्हाइट और मार्स के कुछ यहाँ पे वॉलपेपर्स यहाँ पे देख पाते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया था, उसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ऐप को कुछ इस तरीके के नए टैब्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हैं, एक नई यूआई के साथ मिला है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपको एंड्रॉइड 9 के वाले मिलते हैं। एंड्रॉइड 10 इसके अंदर नहीं आया है तो आपको एंड्रॉइड 10 के जस्टिस इसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो वो आप उम्मीद छोड़ दीजिए क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो को जो है एंड्रॉइड 10 नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोई पोर्ट आ जाए तब उसके ऊपर मैं बता नहीं सकता, कोई पोर्टेड रोम आता है तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। स्क्रीन टाइम अपडेट कर दिया गया है, नए फीचर्स और नए फोकस मोड के साथ आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे देखने को मिला है। स्पेशल फीचर्स में आपको जो है सिर्फ कुछ ही चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे गेम टैब, वीडियो टूल बॉक्स आपको मिल गया जिसके बारे में आपको पता ही किस तरीके से यूज़ करते हैं। नहीं पता है तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। क्विक रिप्लाइज आपको मिल गए हैं, साथ ही किड स्पेस, सेकंड स्पेस, म्यू लैब और लाइट मोड आपको मिल जाता है। आपको इसके अंदर जो है फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन नहीं मिला है Redmi Note 5 Pro के यूजर को। तो ये सारी चीजें तो आपको सेटिंग पहले में देखने को मिली है। एनिमेशंस आपको अभी तक वही मिले हैं Android 10 के नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपके फोन के अंदर जो है Android 10 रन नहीं कर रहा है। ऐप ड्रॉअर में आप देख पा रहे हो काफी सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करने के लिए आपको गेट ऐप में जाना है, सर्च बार पे यहाँ पे टाइप करना है गूगल GOOGL, उसके बाद एक गेट ऐप्स करके एप्लीकेशन है, उसको अपने फ़ोन पे अंदर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल, देखिए मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ सर्च करते ही सबसे नीचे एक एप्लीकेशन होगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे जाके आप उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे और इसको रन करेंगे। उसके बाद जो है आपके फ़ोन के अंदर जो है गूगल प्ले स्टोर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है और जो कि परफेक्टली इसमें काम कर रहा है। सच में इसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। पबजी जो है आप अभी भी इसके अंदर HD मोड पे नहीं खेल पाते हैं इस टाइम पे इसके अंदर। बाकी हेल्थ की ऐप, वेदर ऐप, सिक्योरिटी ऐप, ये सारी चीज़ें जो है अपडेट कर दी गई हैं इसके अंदर। रिकॉर्डर भी आपको नया देखने को मिला है, म्यूजिक प्लेयर भी इसके अंदर अभी आपको नया देखने को मिला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको लेटेस्ट रोम की जिप फाइल चाहिए जो कि आपको पता ही है 20.4.30 वर्जन है जो कि 1.99 GB का है। इसको आप सिर्फ अभी कस्टम रिकवरी से ही इंस्टॉल कर पाएंगे क्योंकि ये चाइना बीटा रोम है, तो इसको आप कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल करेंगे। तो उसके ऊपर बूट करने के लिए हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से भी बूट कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके है। तो MIUI 12 वर्जन पर जाइए, इसके मेनू पर जाइए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिबूट टू रिकवरी मोड, यहाँ से आप इसको रिबूट नाउ कर देंगे। आप कोई भी कस्टम रिकवरी यूज़ कर सकते हैं जैसे TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ कस्टम रिकवरी ही यूज़ करनी है, अदरवाइज आप उसको फ्लैश नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे सिस्टम अपडेट से फ्लैश करें तो वो फ्लैश नहीं होगा क्योंकि ये चाइना बीटा रोम है, ग्लोबल बीटा वर्जन नहीं है और ये सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए है। तो ये देखिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो है हमारे फ़ोन पे बूट हो गई है। फ़ोन का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि आपका सारा डाटा डिलीट होने वाला है। आप स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप उसको बूट नहीं कर पाएंगे। वाइप पे जाएंगे, डेल्विक कैश, कैश, सिस्टम वेंडर डाटा, इन 5 पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप स्वाइप टू वाइप करें। जैसे ही आपके सभी पार्टीशन जो है वाइप हो जाते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, बैक जाना है और उस रोम की फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। तो हम उस रोम की फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वो फाइल है, एंड स्वाइप टू इंस्टॉल। तो ये देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस जो है आप स्टार्ट हो चुका है। ये नियर अबाउट 3-4 मिनट्स लेगा फ्लैश होने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली हमारे फ़ोन के अंदर फ्लैश हो सके। तो ये देखिए फाइनली रोम इंस्टॉल हो गया है और आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि बैकअप जरूरी है क्योंकि आपको डाटा डिलीट करना पड़ेगा। अब आप मेनू पर जाएंगे, मैनेज पार्टीशन पर जाएंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे और फॉर्मेट डाटा करेंगे YES लिखेंगे। अगर आप TWRP पे हैं तो आपको वहीं पे जब वाइप के पास फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन देखता है वहां से आप फॉर्मेट डाटा करेंगे, यस लिखेंगे और ओके कर देंगे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप इस रोम को बूट नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट डाटा करना ज़रूरी है आपको, अदरवाइज आपका रोम जो है बूट नहीं होगा। जैसे ही आपका फॉर्मेट डाटा जो है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आप रीबूट सिस्टम करेंगे और फाइनली जो है MIUI 12 का जो लेटेस्ट वर्जन है आपने उसको अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट डाटा जो है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको रीबूट सिस्टम कर देंगे। तो ये देखिए रीबूट सिस्टम करते हैं, इस दौरान आपका फोन जो है 1-2 बार रीबूट हो सकता है और कुछ ही देर बाद जो है आपके फोन के ऊपर MIUI 12 का सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों सेटअप करें। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोग सिर्फ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।